नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न फॉर ग्रो चैनल पर। यहाँ हम सभी मिलकर सीखेंगे और पढ़ेंगे। एजुकेशन जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, हम और भी मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे वीडियो से आपको नया ज्ञान, कौशल्य और सूचना मिलेगी जो आपके करियर बिल्डिंग करने में मदद होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो के अपडेट से अपूर्ण होने से बच सके। तब तक चलो शुरू करते हैं और सीखते हैं और लर्न फॉर ग्रो के साथ बना के रहते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू एसक्यूएल लर्निंग सीरीज। मैं हूँ प्रवीण। हम सीख रहे थे एसक्यूएल लर्निंग सीरीज के कंस्ट्रेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो चलिए आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एसक्यूएल चेक कंस्ट्रेंट्स। देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या है, चेक कंस्ट्रेंट किधर इस्तेमाल करते हैं और चेक कंस्ट्रेंट कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो अभी हम देखेंगे इसका डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट। इन ओरेकल एसक्यूएल, अ चेक कंस्ट्रेंट इज अ रूल दैट यू कैन अप्लाई टू अ कॉलम इन अ टेबल। मतलब एसक्यूएल का एक चेक कंस्ट्रेंट है ना, एक रूल है जो हम कॉलम के ऊपर अप्लाई करते हैं, मतलब परफॉर्म करने के लिए जो हम इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हम टेबल है, टेबल के ऊपर हमारा कॉलम रहता है, जिस टेबल में हमको ऐसा ही डेटा सेव रहना चाहिए, जो नंबर वैल्यू सेव रहना चाहिए, वो कैरेक्टर वैल्यू सेव रहना चाहिए, यही वर्ड सेव रहना चाहिए, नहीं तो ये नंबर रहता है 10 से लेस दैन, नहीं तो ग्रेटर दैन, ऐसे कुछ भी हम कंडीशन डाल सकते हैं। तभी क्या होगा, चेक कंस्ट्रेंट रूल डाल दिया तो जिस कॉलम के ऊपर वो वैल्यू को वैलिडेट करके बाद में इंसर्ट करने के लिए परमिशन देता है, सही ना। तो देखिए, द चेक कंस्ट्रेंट इंश्योर दैट द वैल्यू इन अ कॉलम मीट स्पेसिफिक कंडीशन। मतलब जो हम कॉलम देते हैं, जो कॉलम के ऊपर हम स्पेसिफिक कंडीशन देते हैं, उसको पहले वो चेक करेगा, वैल्यूएट करेगा, जो मीट होता है, जो हमने कंडीशन दे दिया, तभी डेटा को इंसर्ट करेगा, नहीं तो इंसर्ट नहीं करेगा। मतलब मतलब डेटा को कितना अच्छे से मैनेज करता है, देखिए एक्यूरेसी के लिए, सही ना। अभी देखिए, इफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द चेक कंस्ट्रेंट इवैल्यूएट टू फॉल्स फॉर एनी रो इन द टेबल, ओरेकल प्रिवेंट्स द इंसर्शन अपडेशन ऑफ दैट रो। मतलब ये प्रिवेंट करता है अनवांटेड डेटा को इंसर्ट करने के लिए। जो हमको चाहिए, जो हमने कंडीशन डाला रहता है जो उस कॉलम के ऊपर, वो क्या करेगा, चेक करेगा, इसलिए तो इसका नाम है चेक कंस्ट्रेंट, सही ना। सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए एक हमारे पास कॉलम रहता है, टेबल है, टेबल है तो कॉलम रहेगा, कुछ सा भी कॉलम में हमने कंडीशन डालेंगे, वो कंडीशन मीट हो गया क्या नहीं चेक करने के लिए चेक कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करता है। इनकेस कंडीशन मीट नहीं हुआ तो वो डेटा इंसर्ट और अपडेट करने के लिए परमिशन नहीं देगा, एरर आउट करेगा। इनकेस मीट हो गया तो वो क्या करेगा, इंसर्ट होगा। तो अभी हम इसका सिंटैक्स देखेंगे, आपको पता चलता है। देखिए, चेक कंस्ट्रेंट विथ क्रिएट सिंटैक्स। क्रिएट सिंटैक्स देखिए क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप नॉट नल, कॉलम नेम टू डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट नेम देंगे चेक और इधर कंडीशन डालेंगे, जैसा कि हमारा फॉरेन की और प्राइमरी की था, उसी तरह सिंटैक्स है, ओनली इधर चेक डाला है चेक कंस्ट्रेंट का और इधर हम कंडीशन डालते हैं, उधर उसमें क्या डालते थे, पूरा फॉरेन की उसका कंडीशन डालते थे, सही ना। अभी देखेंगे चेक कंस्ट्रेंट कैसे हम एसक्यूएल डेवलपर में रियल टाइम में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और क्वेरी को रिट्रीव करते हैं, देखेंगे। चलिए, पहले हम एक पर्सन टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल पर्सन, पर्सन्स करके एक टेबल क्रिएट किए, ओके। इसका देखिए पर्सन आईडी देंगे, देखिए आईडी देंगे, ये रहेगा नंबर डेटा टाइप, ये नॉट नल रहेगा, और देंगे नेम, नेम क्या रहेगा, वेयर केयर, और एक देंगे एज, देंगे एज तो नंबर रहेगा, देखिए जैसा मैंने सिंटेक्स दिया वैसे लिख रहा हूँ। देखिए इधर मैं 2 ओ डाला था वैल्यूज, लेकिन 3 डाल रहा हूँ, आप एन नंबर तक डाल सकते हैं। कंस्ट्रेंट डालेंगे, देखिए वो ब्लू में जाएगा तो करेक्ट है करके हम टाइप किए, करेक्ट है। अभी क्या करेंगे, चेक
आईडी करके हम इसको ये देंगे कंस्ट्रेंट नेम, इधर है ना, कंस्ट्रेंट नेम देंगे। आईडी को हमको चेक करो करके हमने दिया है, चेक डालेंगे। आईडी डाल के अभी देखिए आईडी क्या डालेंगे, ग्रेटर देन टू, ब्रैकेट क्लोज करो। अभी मैं रन करता हूँ, देखिए टेबल पर्सन क्रिएटेड, पर्सन टेबल क्रिएट हो गया। मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, देखिए पर्सन टेबल क्रिएट हो गया हमारा, हो गया ना, आईडी नेम ये जा गया। अभी हम इसके ऊपर डेटा ऐड करेंगे। आपको मालूम इंसर्ट इनटू इस सिंटैक्स इस्तेमाल करके हम डेटा को ऐड करते हैं। इंसर्ट इनटू पर्सन वैल्यूज, तीन देंगे रवि, पर्सन नेम और एज देंगे 26, कॉमा डाला। अभी रन करेंगे, देखिए वन रो इंसर्टेड। अभी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन किए तो डेटा इंसर्ट हो गया। अभी देखिए ये चेक कैसे कंडीशन चेक करता है, हमने इधर चेक कंडीशन डाल दिया ना। अभी देखिए हमने क्या डाला है, आईडी नंबर टू के ऊपर रहना चाहिए। इसमें आईडी का वैल्यू है जो दो से ग्रेटर देन रहेगा तो इंसर्ट करेगा। अभी मैं इधर क्या करता हूँ, एक देता हूँ, एक दो से कम है ना, लेस वैल्यू। अभी क्या होता है देखेंगे, देखिए चेक कंस्ट्रेंट वायलेटेड, चेक आईडी वायलेटेड हो गया। क्यों हो गया आपको समझ में आ गया ना, मतलब इधर हमने क्या दिया था, चेक कंडीशन क्या डाला है, ग्रेटर देन टू से वैल्यू ऐड होना चाहिए पर्सन आईडी में। टू हो गया तो होता है क्या देखेंगे, आइए देखिए टू हो गया तो आइए आता है क्या, वो भी सेम आ रहा है। क्यों, ग्रेटर देन दे दिया हमने, सही ना। अभी देखेंगे, अभी इधर मैं 5 देता हूँ, 5 देंगे, रन करेंगे, देखेंगे क्या होता है। ऑलरेडी हमने एक बार कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया है ना, तो दूसरे बार नहीं होता है, सही ना, एक बार अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं इधर देता हूँ, ऑलरेडी हमको क्या दिया था, ग्रेटर देन 2 वैल्यू दे दिया था। अभी मैं इधर 10 वैल्यू देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5 देता हूँ, आपको मालूम हो जाता है, मतलब 2 से 5 ग्रेटर वैल्यू है, सही ना। अभी रन करता हूँ, देखिए वन रो इंसर्टेड, मतलब जब भी हम जो चेक कंडीशन डालते हैं ना, उसके आगे वाला जो भी कंडीशन डालते हैं वो मीट हो गया तो चेक करेगा, हाँ चेक करेक्ट है वैल्यू, चेक करेगा वैल्यू, इवेल्युएट करेगा, हाँ कंडीशन मीट हो रहा है तो चलो भाई इंसर्ट हो जाओ करके वो परमिशन देगा। यही तो चेक कंडीशंस का कॉन्सेप्ट है। उसी तरह हम अभी देखेंगे, देखिए अभी मैंने क्या दिया था, अभी एज को भी हम चेक करेंगे। अब देखिए एज को क्या करेंगे, इधर चेक एज डालेंगे, एज आईडी, इधर देखिए एज डालता हूँ मैं, एज डालता हूँ, कितना डालता हूँ, ग्रेटर देन 15 डालता हूँ, ग्रेटर देन 50 है तो ऐड करो करके मैं डाल रहा हूँ। नेम इज ऑलरेडी यूज बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने चेक कंडीशन डाल दिया है, इसलिए ये एरर आउट हो रहा है, समझ में आ गया ना। देखिए इधर क्या बोल रहा है, नेम इज ऑलरेडी यूज बाय द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, नेम इज ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी हमने यूज किया है, कर रहा है, समझ में आ गया ना। हम एक ही बार कंस्ट्रेंट चेक कंस्ट्रेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना कॉलम के ऊपर करना है एक ही बार करना है। हमको चेंज करना है तो क्या करेंगे, अभी देखिए उसके लिए और एक क्वेरी है, अल्टर करना है हमको। क्रिएट मतलब अभी मैंने क्रिएट टेबल कर दिया है, क्रिएट मतलब एक ही बार क्रिएट कर सकते हैं उस नेम से, मतलब ये पर्सन से हमने ऑलरेडी एक क्रिएट कर दिया है ना, इसलिए अभी हम अल्टर कर सकते हैं उसी को ही। अभी देखिए मैं अल्टर करके आपको दिखाता हूँ, समझ में आ गया ना अल्टर का और क्रिएट का कितना डिफरेंस है। देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, टेबल नेम कौन सा है, पर्सन है ना, पर्सन, ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट आईडी देंगे एज, एज चेक, चेक करके कंडीशन डालेंगे,
एज ग्रेटर देन 20 डालेंगे। देखिए जैसा था ना मैंने वैसा लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है, जैसे क्वेरी था ना वैसे मैंने लिख दिया है। देखिए टेबल पर्सन अल्टर्ड, अभी पर्सन टेबल क्या हो गया, अल्टर हो गया, सही ना। अभी देखेंगे हमने क्या अल्टर किया है, एज 20 के ऊपर ही एंटर होना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता। अभी देखिए ये हमने सेम टेबल है, अभी मैं ये एज है ना इधर मैं दूसरा नाम लिखता हूँ, प्रवीण लिख दिया। ये 2 से आगे है ऑलरेडी, लेकिन हमने क्या दिया है 20 है ना, हम 19 वैल्यू देंगे। हमने क्या कंस्ट्रेंट चेक करने के लिए दे दिया, एज आईडी में एज तभी इंसर्ट होना चाहिए जो 20 के आबो होना है, तो मतलब 20 से ग्रेटर वैल्यू है तो तभी एज कॉलम में एज इंसर्ट करने के लिए परमिशन देना है करके हमने कंडीशन डाल दिया है। वो क्या करता है चेक कंस्ट्रेंट, जो भी हमने परमिशन दिया है वो चेक करता है, वो कंडीशन मीट हो गया तो अलाउ करेगा इंसर्ट करने के लिए, नहीं तो एरर आउट होता है। ये भी देखिए रन करता हूँ, ये देखिए वायलेटेड आ गए, देखिए चेक कंस्ट्रेंट ये चेक वायलेटेड। अभी इधर ही देखिए मैंने 21 डालता हूँ, देखिए ये की डिफरेंस है, अब 20 के आबो है ना, अभी एक 21 डालता हूँ, वन रो इंसर्टेड। अभी देखिए मैं इधर सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, इंसर्ट हो गया ना वन रो, देखिए हो गया ना, देखिए ये वैल्यू सभी 20 के आगे है, नहीं तो हम कंस्ट्रेंट डालते टाइम में इनकेस मैंने कंस्ट्रेंट दिया है ना इधर अल्टर टेबल करते टाइम में मैंने कुछ तो 30 के आबो दिया तो वो एरर आउट होता था, कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं होता था। अब कभी भी कंस्ट्रेंट अप्लाई करते टाइम में इसका भी ध्यान देना चाहिए, जो हमारा पुराना वैल्यू कौन सा है तभी भी दे सकते हैं, नहीं तो ये पूरा का पूरा पहले वैल्यू डिलीट करके बाद में कंस्ट्रेंट अप्लाई करके बाद में वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको चेक कंस्ट्रेंट के बारे में अंडरस्टैंड हुआ होगा, मैंने तो इजीली बेसिक लैंग्वेज में बता दिया है कैसे करने का कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल और डेटा को रिट्रीव करने का। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे वीडियो कंस्ट्रेंट के साथ मिलते हैं, तब तक बाय। ओके दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए कैसा था हमें ज़रूर बताइए। अगर आपके पास इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो कृपया हमसे ज़रूर पूछें। आपके इस प्यार और समर्थन के बिना हम नहीं आ सकते, इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में सजा करें। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।